मेरा नाम रुपया फातिमा है। मेरे हस्बैंड सैयद मजाहिर अली 6 months बैक यूनाइटेड स्टेट्स गए थे सर मास्टर्स करने के लिए। 4 फरवरी को वो अपने घर लौट रहे थे, तो अराउंड 1 PM के बाद रात के 1 बजे 3 लोगों ने इनके ऊपर आके एक जानलेवा हमला किया है। गन से भी हिट करने की कोशिश की है सर। मेरे को 4 बजे के करीब मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया कि मेरे हस्बैंड पर अटैक किया गया है, और 6 बजे के करीब मेरे पास एक व्हाट्सएप वीडियो आया जिसमें ये बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड थे और बहुत ज़्यादा उनको खून बह रहा था। उसके बाद से मेरी इनसे ज़्यादा बात नहीं हुई है। बहुत ज़्यादा मेंटली और फिजिकली डिस्टर्ब है इन, फिजिकली बहुत ज़्यादा डैमेज्ड है सर। तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ हमारी गवर्नमेंट से और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से कि जल्द से जल्द कुछ उनके लिए लीगल एक्शन लिया जाए और मेडिकल हेल्प और मेंटली भी हेल्प, मतलब एक कुछ काउंसलर या कुछ डॉक्टर से उनकी हेल्प ली जाए। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँ कि एक इमरजेंसी वीज़ा लगवाए मेरा और मेरे 3 छोटे बच्चे हैं उनका, सो दैट कि मैं उनके पास जाऊँ, और क्योंकि वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, तो मैं उन, मतलब मेरा ज़रूरी है उनके पास जाना सर। वहाँ कोई आपके रिलेटिव ऐसा है जो उनको असिस्ट कर सके? नहीं, मेरे कोई रिलेटिव नहीं है, बस वो एक दो रूममेट्स है सर उन्हीं के साथ है, और वो भी वो लोग का भी कॉलेज है तो उनके कोई टेक केयर करने के लिए भी नहीं है सर। ठीक, अभी आप कुछ और गवर्नमेंट से क्या चाह रहे हैं? कि यही कि मेरा एक इमरजेंसी वीजा लगवाए सो दैट मैं उनके पास जाऊँ।